झारखंड की जनता के सामने 5 साल बाद फिर वो मौका आ रहा है जब वो 81 विधायक और सरकार का चुनाव करेगी। नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राज्य में एनडी और एनडीए गठबंधन के बीच जंग तेज हो गई है, जिसकी शुरुआत दोनों तरफ से पहले ही हो चुकी है। एक से बढ़कर एक वादे और बड़े बड़े दावों के बीच जनता को तय करना है कि उसे किस पर ज्यादा भरोसा है। आदिवासी बहुल राज्य में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन कम से कम 4 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिनसे चुनाव का नतीजा तय होगा। चुनाव का नतीजा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादे पर कितना भरोसा करती है। भाजपा की अगुवाई में एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ओर से एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इनमें से प्रमुख है महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक मदद। झामुमो सरकार ने इसी साल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक सहायता दी जा रही थी। भाजपा ने एनडीए सरकार बनने पर 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया। अब झामुमो ने आगे निकलने की होड़ में 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने एक दिन पहले ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया है। महिला वोटर्स को इस चुनाव में अहम फैक्टर माना जा रहा है। आदिवासी बनाम बांग्लादेशी का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड, खासकर संथाल परगना में कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 अक्टूबर को हजारीबाग की रैली में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड में इस बार रोटी बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। उन्होंने मंच से कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। भाजपा के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को आक्रामकता के साथ उठाया है और झारखंड भाजपा ने इस मुद्दे को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव गली-गली का दौरा किया है। भ्रष्टाचार बनाम विक्टिम कार्ड। झारखंड का चुनावी नतीजा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जनता भाजपा की ओर से मौजूदा सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर विश्वास करती है या फिर हेमंत सोरेन के विक्टिम कार्ड पर। एक तरफ जहां भाजपा झामुमो और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, तो दूसरी तरफ जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन विक्टिम कार्ड खेलने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। झारखंड में पिछले 5 सालों में लगातार ईडी और सीबीआई की छापेमारी चलती रही है, जिसमें कई बार नोटों के ढेर मिल चुके हैं। अब जानते हैं आदिवासी वोटर्स किसके साथ हैं। झारखंड में सत्ता की असली चाबी आदिवासियों के हाथ में मानी जाती है। 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा झटका आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर ही लगा था। पार्टी 28 आरक्षित सीटों में से 26 पर चुनाव हार गई थी। माना गया था कि प्रमुख आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी के अलग पार्टी बनाकर लड़ने से भाजपा को नुकसान हुआ है। हालांकि बाद में भाजपा से उनकी वापसी हो गई और इस समय वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी सीटों पर भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं रही है। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने जो कार्ड चला था, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी झारखंड में होगी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आदिवासी और मूलवासी के मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।